गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अ पोएम अमांडा फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट. सो अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन कैलन. रॉबिन कैलन हैज एक्सप्रेस्ड द व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल अमांडा. ओके, अमांडा हु वॉज कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट बाय हर मदर. ओके, सो अमांडा इज अ गर्ल अराउंड 13 to 14 ईयर ओल्ड. ओके, एंड शी इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर मदर. ओके, उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, वो कॉन्स्टेंटली उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछती है. ओके, शी आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अमांडा. ओके, एंड दिस इरिटेट्स अमांडा. जब इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो उसकी मदर पूछती है उससे, तो वो अमांडा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है. ओके, सो द पोएम डिस्क्राइब a girl named Amanda and her mother, okay, who is nagged Amanda, hai na, who is nagging Amanda, jo baar baar Amanda ko restrict kar rahi hai bahut sari baaton ke liye, bahut sare instruction pass on kar rahi hai, aur is baat se wo zyada bahut zyada pareshan ho rahi hai. kyun? kyunki aap jab bahut zyada restrictions lagate ho, theek hai, to aapko kya feel hota hai, hai na, you feel lack of freedom. same with Amanda and this may, hai na, अमांडा रिबेलियस. ठीक है, इस वजह से अमांडा क्या होता है, थोड़ा रिबेलियस हो जाती है ना, उसे आज़ादी चाहिए, वो मम्मी को अपनी जो मदर है उसको अपोज करने लग जाती है. ठीक है, सो अमांडा में हम क्या देखेंगे, एक्सेसिव नेगिंग मेक्स चिल्ड्रन डेफिएंट एंड दे टर्न डफ. ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है अपने बच्चों पे लगाएंगे, ठीक है, या बच्चों पे उनके पेरेंट्स बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस उनके ऊपर पुट ऑन करते हैं, ठीक है, सवाल उनसे पूछे जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, है ना, दे टर्न आउट टू बी टफ. वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि उनके क्वेश्चंस बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है उन बच्चों के लिए. ओके, एंड दिस डेवलप, ठीक है, ये जो क्वेश्चनिंग है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, ये जो बार बार किसी बच्चे को पॉइंट आउट करना है, इस वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि दे हेट रियल लाइफ. ठीक है, एंड दे स्टार्ट बिलीविंग इन इन बिलीव इन रियल लाइफ आप कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे इमेजिनेशन हो, ठीक है, इस दुनिया से परे एक फैंटेसी वर्ल्ड में वो जीना चाहते हैं, ठीक है, उसमें वो जाना चाहते हैं. So in this poem we will learn both perspective of parents and children. ठीक है, parents अपने बच्चों को क्या चाहते हैं, से क्या चाहते हैं, और वो क्यों ऐसे instructions जो है वो आप कह सकते हो कि लगाते हैं, और उसकी वजह से ना, और बच्चों का क्या perspective है, बच्चों की क्या सोच है, बच्चे क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम अमांडा में read करने वाले हैं. ठीक है, so the poem focus on the upbringing of a small child. ठीक है, कि सिर्फ ये जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, पेरेंट्स की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को कैसे अपब्रिंग करें ना, उनकी कैसा कैसे उनको वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं उनकी ग्रोइंग एज में. ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो बच्चा है वो एक ड्रीमी वर्ल्ड की कल्पना ना करें, ठीक है, वो एक रियल वर्ल्ड में बना रहे, वो उनकी बात सुने. सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरीके से समझाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस वी विल रीड इन अमांडा. ओके, सो हियर आर सम लाइंस, ओके, रिटन इन अ बॉक्स. शैल आई रीड इट फॉर यू? एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. ओके, हर बच्चे को लगता है कि वो उसके जो पेरेंट्स है उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाते हैं कि क्या चीज़ उसे करनी है, क्या नहीं करनी है. कभी कभी, ओके, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेड. कभी कभी आपको भी ऐसा लगा होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, ठीक है, आपकी जो आज़ादी है उसको किसी ना किसी तरीके से काटा गया है, किसी ना किसी तरीके से आपको, आप कह सकते हो कि फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट की गई हो. ओके, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग यू वॉन्ट टू डू. ओके, बट योर पेरेंट्स एंड डू नॉट अलाउ यू, यू हैव टू
सेम ही। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है, बताना है मुझे आंसर, बिल्कुल बताना है ऐसी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं देना चाहते हैं, ओके, और आप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि 13-14 ईयर्स के जो बॉयज़ होते हैं वो क्या चाहते हैं कि वो जाकर बाइक चलाएँ, ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको कभी अलाउ करेंगे? नो, क्योंकि वो उनके उनके प्रॉफिट के लिए नो कह रहे हैं, है ना, ओके। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स मना करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो चाहते हैं, बच्चे जो है जो उनके बच्चे वो सोचते हैं कि काश मैं ये सब कर सकता और मेरे पेरेंट्स क्यों मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि मैं मैच्योर इनफ हूँ। तो यही हम अमांडा की स्टोरी जो पोएम है उसमें पढ़ने वाले, ठीक है ना। शैल वी स्टार्ट द पोएम? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप इट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा, ओके। सो दीज आर द लाइन्स spoken by her mother, mother of Amanda, and she is constantly pointing out Amanda, ठीक है, और इसे वो बहुत सारे questions पूछ रही हैं, ठीक है, बहुत सारे instructions उसको दे रही है, और वो क्या कह रही है, she should not bite your nails Amanda, ठीक है, और first line में क्या कह रही है कि Amanda तुम्हें अपने nails नहीं cut करने चाहिए, ठीक है, मुँह में नहीं लेनी चाहिए, don't hunch your shoulders Amanda, ठीक है। second instruction क्या दे रही है Amanda को, अमांडा तुम्हें ठीक से बैठना चाहिए, हंच मतलब होता है टू बैंड, ठीक है, बैंड करके बैठना, टू बैंड का अपर पोर्शन ऑफ, है ना, ऑफ द बॉडी, ठीक है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने शोल्डर्स को या अपना जो अपर पोर्शन होता है उसको बैंड इस तरीके से झुकाकर बैठते हैं, ठीक है। तो मदर क्या चाह रही थी, जो अमांडा का जो स्ट्रक्चर है ना, पोस्चर है वो सही रहे, ठीक है, इसलिए वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है। उसका इंस्ट्रक्शन देने का रीज़न गलत नहीं है, पर शायद यहाँ पे तरीका गलत है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, हम आगे भी पोएम्स में देखेंगे कि कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है अमांडा को, ओके। सो फर्स्ट टू लाइन्स हम रिपीट कर रहे हैं कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स एंड डोंट हंच योर शोल्डर्स, ओके, डोंट बैंड योर शोल्डर्स, स्टॉप इट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या दे रही है उसकी मॉम, उसकी मदर, कि यू शुड सिट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, डोंट सिट इन अ लेजी वे, ठीक है। स्लाउचिंग मतलब होता है कि लेजीली ऐसे करके बैठ जाना, आपका पोस्चर इस तरीके से टिका देना, ठीक है, या यूं करके खड़े हो जाना। तो वो अमांडा को क्या क्या सिखाना चाह रही है, गुड कंडक्ट, है ना, गुड मैनर्स आप कह सकते हो, इसलिए वो बार बार अपनी बेटी को टोक रही है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है, बहुत सारे क्वेश्चनिंग हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है ना, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, है ना, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड। सेम विद अमांडा, कि अगर आप बार बार अमांडा को या किसी भी बच्चे को, ठीक है, एक लेवल, एक जो आप कह सकते हो कि एक हम क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, उसके बाद किसी बच्चे को बार बार रोकना टोकना ये अच्छा नहीं, क्योंकि बच्चे भी क्या चाहते हैं, वो भी फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अमांडा की जो मदर है वो बार बार उसे रोक रही है, फर्स्ट वो कह रही है कि यू शुड नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, सेकेंड वो कह रही है कि डोंट बैंड योर शोल्डर्स अमांडा, नेक्स्ट कह रही है डोंट सिट इन अ लेजी वे, ओके ना। इस संदर्भ की हम लाइन्स देख लें, ओके, राइमिंग स्कीम देख लें क्या है, ओके। सो राइमिंग स्कीम हम देखते हैं, अमांडा अमांडा स्ट्रेट एंड अमांडा, ओके। सो अमांडा अमांडा वर्ड लास्ट वर्ड राइम हो रहा है दूसरे से, ठीक है, तो हम इसको राइमिंग वर्ड क्या पुट करेंगे, ए एन ए, क्योंकि फर्स्ट लाइन में अमांडा और सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है अमांडा वो राइम हो रहा है, ए बी ए, ओके। स्ट्रेट अमांडा से राइम हो रहा है, नो स्ट्रेट, तो फिर हमने इसको बी जो है वो पॉइंट आउट किया, और देन अमांडा वापस राइम हो रहा है ए से, तो ए ए बी ए, ओके। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस देखें हम, इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे है डोंट, ओके, डोंट बाइट, ओके। नेक्स्ट जो लाइन है वो भी डोंट हंच, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, दोनों लाइन के जो फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड से वो सेम है, और जब स्टार्टिंग वर्ड सेम होते हैं, ठीक है, हम लाइन के स्टार्टिंग वर्ड्स की बात करें, इसको हम क्या कहेंगे, एना फॉर, ओके, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस क्या आ गया, एना फॉरा, ओके, अमांडा अमांडा अमांडा, तो आपको कौन सा वर्ड रिपीट होना है, नेक्स्ट टाइम देखिए तो अमांडा, ठीक है, ये क्या हो गया,
ठीक है। सो ये हमारे पास रिपीटेशन आ गया, हमारे पास राइमिंग स्कीम आ गई, एनाफोर आ गया, तो ये पोएटिक डिवाइसेस हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है अलिट्रेशन, ठीक है। और वो क्या है, कौन सी साउंड रिपीट हो रही है, स्टॉप एस साउंड, स्लाउचिंग एस साउंड, ये क्या हो गया आपका अलिट्रेशन। ओके, सो फर्स्ट तंजा के हमने पोएटिक डिवाइसेस देख लिए, मीनिंग देख लिए। ओके, क्वेश्चंस देखे अमांडा की मदर किससे सॉरी मदर यहाँ पे किससे बात कर रही है, अमांडा से बात कर रही है। अमांडा किस, अमांडा से कौन बात कर रहा है, मदर, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, दैट हु इज स्पीकिंग टू अमांडा। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग। ओके, तो इस तरीके से जब आपके पास एक्सट्रैक्ट आएंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वन मार्क्स के, मल्टीपल चॉइस के। ओके, नेक्स्ट संजा की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो संजा आप देखोगे, जो लिखने का इसका वे वो डिफरेंट है, और वो कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे जो लाइन्स है वो ब्रैकेट में दे रखी है, है ना। ऐसे हम पोएम्स में बहुत कम ऐसी पोएम्स हैं जो ब्रैकेट्स में लिखी हुई होती हैं, ठीक है। सो ये ब्रैकेट में क्यों लिखी है, आई विल एक्सप्लेन इट एट द एंड ऑफ द सेंजा। ओके, देयर इज अ लैंग्विड एमरेंट सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मोमेंट ड्रिफ्टिंग पीसफुली। ओके, सो यहाँ पे अमांडा इमेजिन कर रही है। ओके, और वो क्या इमेजिन कर रही है, वो हमने ब्रैकेट में देखा है। तो ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, अमांडा के इनर थॉट्स, ठीक है, कि अमांडा मन में क्या सोच रही है जब उसकी मम्मा उसको इतना परेशान कर रही है, अकॉर्डिंग टू अमांडा। ओके, जब मम्मा उसको इतने सारे, उसकी जो मदर है इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, तब उसके दिमाग में या उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या सोच रहा है, वो क्या देख रहा है ना, क्या इमेजिन करता है। तो ये जो इमेजिनेशन है, ठीक है, उसको उसने ब्रैकेट पॉइंट जो है रॉबिन कैलन उसने पैरेंथेसिस में डाला है। पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस मतलब होता है जब आप किसी के इनर थॉट्स ब्रैकेट्स में लिखते हो, तो यहाँ पे उसका इमेजिनेशन है, इनर थॉट्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट्स में ये स्टैंजा लिखा है। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, काश एक है ना सी होता, सी एमरल्ड मतलब ग्रीन, डीप ग्रीन सी, यहाँ पे अमांडा इमेजिन करी, काश मैं एक ऐसे समुद्र में होती, है ना, जो गहरे रंग का होता, है ना, ग्रीन कलर का होता, बहुत ही डीप होता। और एक सी ग्रीन कलर का कब होगा, जब वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट और दुनिया से बहुत दूर हो, ठीक है। तो वो एक ऐसे सी में रहना चाहती है, एक ऐसे सी में जाना चाहती है जो बहुत रिलैक्सिंग हो, डीप ग्रीन कलर का हो, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, एंड जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट, वहाँ का जो रेजिडेंट है वो कौन हो, सिर्फ मैं हूँ। अमांडा क्या कह रही कि आई शुड बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ द एमरल्ड सी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ कौन रहना चाहिए, अमांडा ओनली। ओके, सोल मतलब ओनली, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, शी वॉन्ट टू बिकम अ मर्मेड। सो मर्मेड मतलब क्या होता है, मर्मेड एक सी क्रिएचर होता है, सी आप कह सकते हो कि फेरी होती है, ठीक है, सब जानते हैं। मर्मेड का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो लोअर बॉडी पार्ट होता है, वो एक फिश की तरह होता है, और अपर पार्ट होता है वो ह्यूमन बींग, एक वुमेन की तरह, गर्ल की तरह होता है। सो शी वॉन्ट टू बी अ मर्मेड, क्या बनना चाहती है, जलपरी बनना चाहती है, और वहाँ पे समुद्र में आराम से अपना जीवन निकालना चाहती है, ठीक है। शी वॉन्ट टू मूव इन द सी ड्रिफ्ट फुली, है ना, इन अ स्लो मैनर, शी वॉन्ट टू फ्लो विद द वॉटर। ओके, सो दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ अमांडा, जब अमांडा उसकी मदर उसे इतने सारे क्वेश्चनिंग करती है, क्वेश्चन करती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर, है ना, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। सो जब उसकी मॉम उसको ये सब कह रही है ना, जब उसकी मदर उसे ये सब कह रही है, तब अमांडा क्या सोच रही है कि काश, क्यों सोच रही है ऐसा, क्योंकि उसको इतना, उसको लगता है कि शी वॉन्ट कामनेस, है ना, शी वॉन्ट अ पीसफुल इन्वायरमेंट। ओके, ना यहाँ हम देख रहे हैं हमारी राइमिंग स्कीम क्या है, सो ई ई, ओके, हियर इज द राइमिंग, हियर राइमिंग स्कीम इज ई ई ई। ओके, और हमारे पास कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, मर्मेड, मर्मेड हमने यूज किया है, मर्मेड कंपैरिजन करनी है, कंपैरिजन करनी है यहाँ पे,
कौन अमांडा अपने अपने आप का मोमेंट से विदाउट लाइक एन एस लाइक एन एस के बिना डायरेक्ट उसका कंपैरिजन है, ठीक है। सो जब हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन होता है अपना, तो हम क्या यूज करते हैं, मेटाफर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, मेटाफर। ओके ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Again, हम next stanza में क्या देख रहे हैं कि उसकी mother है, again she is pointing out some questions, some instructions, okay? So, did you finish your homework, Amanda? This is the most asked questions from the children, है ना? तो बच्चों से सबसे ज़्यादा उनकी जो पेरेंट्स या उनकी जो मम्मा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है वो क्या होता है कि क्या तुमने अपना वर्क फिनिश कर लिया, होमवर्क फिनिश कर लिया, ठीक है। अगर हम पेरेंट्स की प्रोस्पेक्टिव से देखें, ठीक है, तो वो क्या है, वो केयरिंग, वो केयर है ना। पेरेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे की प्रोस्पेक्टिव से देखें तो एक्सेसिव केयर लग रहा है यहाँ पे, है ना। आप एक्सेसिव उसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम ठीक कर लिया, क्या तुमने अपना रूम क्लीन अप कर लिया। ओके, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगा कि तुमने अपने शूज अब तक क्लीन कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने तुमसे क्या कहा था कि यू शुड क्लीन योर शूज। ओके, सो अगेन शी आस्क्ड अमांडास मदर आस्क्ड some questions from Amanda which irritates Amanda, okay? जिसको जो questions Amanda को बहुत irritating लग रहे हैं, ठीक है। और वो questions क्या क्या है, did you finish your homework Amanda? So who is speaking to Amanda here? कौन बात कर रहा है, उसकी mother, ठीक है। What she is asking about Amanda? क्या क्या पूछ रही है वो इस sentence में कि did you finish your homework and did you tidy your room and to clean her shoes, okay? Now, so same हम अब poetic devices की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं, और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे rhyming scheme क्या है, A A B A, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी stanza की third line है, I thought I told you to clean your shoes, okay? यहाँ पे कौन सा sound है जो repeat हो रहा है, O, okay? Thought में O, told में O, you O, to clean O, okay? Your shoes. तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन से वॉवल की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ओ साउंड, और इसको हम क्या कहेंगे, अजोनेंस। तो हमारे पास पोएटिक डिवाइस क्या है, अजोनेंस, ओके, क्योंकि यहाँ पे ओ जो वॉवल है उसकी साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। एल, उसके बाद में हम देखते हैं डिड यू, डिड यू अगेन गाना खोला, वाई, क्योंकि हमारे पास अगेन जो फर्स्ट वर्ड है वो है डिड यू, ओके। नेक्स्ट अमांडा रिपीटेशन है, अमांडा इसमें रिपीट हुआ है, ओके। नाउ शैल वी रीड द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, ओके। अगेन अमांडा इज हैविंग डीप इमेजिनेशन, और वो क्या सोच रही है, ठीक है, वो लिखा हुआ है पैरेंथीसिस में, ओके, इन द ब्रैकेट्स, क्या बता रहा है, अमांडाज इनर थॉट, वो अंदर क्या सोच रही है वो बता रहा है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pat soft dust with my hash bare feet. The silence is gold, the freedom is sweet. Okay? So here, what she is, देखो यहाँ पे आप क्या देखो कि बच्चा कितना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है, ठीक है, और वो डिप्रेशन में वो इतना परेशान हो चुका है कि वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रहा है कि काश मेरे मम्मी पापा नहीं होते। ऑफन मतलब a child, okay, who does not have his parents, ठीक है, उसके मम्मा पापा ना हो या उसके साथ ना रह रहे हो, यहाँ पे इसका पर्टिकुलर ये मीनिंग है, ठीक है। वो क्या कह रही, काश मेरे मम्मी पापा नहीं होते, मैं अकेली होती, एंड अगर मैं अकेली होती, इफ़ आई एम अलोन आई कैन रोम हियर एंड देयर, में सब जगह घूम सकती हूँ, ठीक है। आई कैन मेक पैटर्न मतलब डिज़ाइंस, ओके। वो क्या चाहती है कि वो अपने पैरों से, है ना, हैश मतलब चुपचाप, ठीक है, क्वाइट, साइलेंसली, बेयर फीट मतलब अनकवर्ड फीट,
ओके बेयर मतलब नंगे पैर से वो क्या करना चाहती है, मिट्टी में खेलना चाहती है और डस्ट में बहुत सारे अपने पैरों से डिजाइन बनाना चाहती है। सी द कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट ऑफ मदर एंड अमांडा। मदर क्या चाहती है कि उसकी शूज क्लीन हो, जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है, वो जो अमांडा है वो चाहती है कि वो अपने पैरों से खेल सके, ठीक है, डस्ट में और बहुत सारे डिजाइंस बना सके। एंड शी वॉन्ट साइलेंस, वॉट शी वॉन्ट, शी वॉन्ट साइलेंस बिकॉज उसका मानना है, ओके, शी इमेजिन डैट साइलेंस इज गुड, शी वॉन्ट साइलेंस इन हर लाइफ, ठीक है, उसकी लाइफ में उसको क्या चाहिए, कामनेस चाहिए, साइलेंस चाहिए, किंग और पीस चाहिए। एंड शी बिलीव डैट फ्रीडम इज स्वीट, एंड वॉट शी बिलीव कि जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा, शी वॉन्ट फ्रीडम, है ना, डेस्पिरेटली उसको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब हर लाइफ, ओके, उसकी जो लाइफ में शी इज हैविंग लैक ऑफ फ्रीडम और उसको वो फ्रीडम चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेम हम देख लेते हैं जो राइमिंग स्कीम है उसमें ई है, ओके, सो हमें स्वीट फीट और स्वीट जो है वो राइम कर रहा है, सो इट्स बिकम ई। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एग ने अमांडा, व्हेन यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, ओके। नेक्स्ट हु इज स्पीकिंग टू अमांडा, योर मदर, एंड व्हाट शी इज सेइंग हियर कि यू शुड नॉट ईट चॉकलेट्स, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि तुम्हें चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। रिमेंबर योर एग ने अमांडा, तुम्हें अपने एग ने पता है अगर तुम चॉकलेट्स खाओगी तो तुम्हें एग ने हो जाएगी, है ना, यू विल सफर फ्रॉम स्किन प्रॉब्लम, पिंपल्स हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है, तो शी उसकी मदर है, शी डोंट वॉन्ट, है ना, शी डजेंट वॉन्ट डैट अमांडा शुड ईट सम चॉकलेट्स, कि वो चॉकलेट्स खाए, एंड डैट अगर वो चॉकलेट्स खाती है, ठीक है, देन शी विल हैव एक्ने प्रॉब्लम, ठीक है, उसको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएगी। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, और यहाँ पे उसकी मम क्या कर रही है, उसे कह रही है उसकी मदर कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ, यू शुड लुक टूवर्ड्स मी, तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। ये लाइन क्या एक्सप्रेस कर रही है कि अमांडा इज नॉट इंटरेस्टेड टू हियर हर मदर, उसकी मम्मी को सुनने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, शी इज अवॉइडिंग हर मदर, और जब वो अवॉइड कर रही है तो मदर वापस उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है, और वो क्या है कि यू शुड लिसन मी केयरफुली, कि तुम्हें बहुत ध्यान से मुझे सुनना चाहिए, ओके। राइमिंग स्कीम AABA सेम, अमांडा अमांडा इज रिपीटेशन हियर, ओके। नाउ दिस इज वेरी, द नेक्स्ट स्टैंजा इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, सो अगेन पैरेंथेसिस से डील करने वाले स्टैंजा में हम इनर थॉट ऑफ अमांडा है, अमांडा की इमेजिनेशन है यहाँ पे, और वो इस इमेजिनेशन में क्या सोचती है, किससे अपने आप को कंपेयर करती हैं, और जहाँ पे कंपैरिजन होगा विदाउट द वर्ड एज एन लाइक, तो हम क्या यूज करेंगे, मेटाफर, लेट्स सी, ओके, हियर अमांडा इज थिंकिंग अबाउट रैपंज़ेल, रैपंज़ेल कौन है, प्रिंसेस होती है, ठीक है, रैपंज़ेल की अपनी एक स्टोरी है, ठीक है, रैपंज़ेल तो एक विच होती है, वो कैद कर लेती है एक टार में, है ना, एक सबसे टार का जो सबसे ऊपर वाला टॉप स्टोरी होता है उसमें जाके वो रैपंज़ेल को कैद कर लेती है, उसको केज कर लेती है वहाँ पे, ठीक है, और अगर विच को रैपंज़ेल के पास रहना हो, मतलब आना होता है, तो वो क्या करती है, उसकी जो हेयर्स होते हैं ना उनकी जो उसके थ्रू है ना उसके हेयर, रैपंज़ेल के जो हेयर है बहुत लॉन्ग होते हैं, तो वो विच जो है उसकी हेयर के सपोर्ट से टॉप मोस्ट स्टोरी में पहुंच जाती है, ठीक है, तो दिस स्टोरी ऑफ रैपंज़ेल, सो अब वो रैपंज़ेल से अपना कंपैरिजन कर रही है, कैसे कर रही है, लेट्स सी, आई एम रैपंज़ेल, आई हैव नॉट अ हेयर, काश मैं रैपंज़ेल होती, ठीक है, जहाँ पे मुझे बिल्कुल, जहाँ पर मेटाफर है ये, कंपैरिजन है, आई एम रैपंज़ेल, ठीक है, अगर ये ऐसे होता आई एम लाइक रैपंज़ेल तो सिमिली होती, ओके, शी सेइंग डायरेक्ट कंपैरिजन है, आई एम रैपंज़ेल, मेटाफर है कि काश मैं रैपंज़ेल होती, काश मैं रैपंज़ेल प्रिंसेस होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड बेयर, और मैं कहाँ रह रही होती, टार में रह रही होती, जहाँ पे मेरी लाइफ कैसी होती, फुल ऑफ कामनेस, ठीक है, सरीन लाइफ होती, क्वाइट एकदम, जहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, आई लिव पीसफुली देयर, वहाँ पे एकदम शांति से रह रही होती, जहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करता, कोई आवाज़ नहीं आती, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई राइट हेयर, ओके, एंड वॉट शी सेइंग कि अगर ऐसा होता आई विल नेवर अलाउ एनी वन
है ना, टू कम ऑन माई स्टोरी या एट माई स्टोरेज, ठीक है, एट माई टावर, मेरे रूम में कोई एंटर नहीं हो सकता विद हेल्प ऑफ माई ब्राइट हेयर. ओके, आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू कम इन माई टावर विद हेल्प ऑफ माई हेयर. जिस तरीके से रपंजल के पास विच आ जाती थी, ठीक है, यहाँ पर वो किसी को अलाउ नहीं करती कि वो उसको डिस्टर्ब करने के लिए उसके रूम में आए. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अमांडा, कितना परेशान हो चुकी है क्वेश्चन से, वो अपनी मम्मी के, है ना, क्वेश्चन से, रेस्ट्रिक्शन से, इंस्ट्रक्शन से वो बहुत ज्यादा परेशान है. ठीक है, शी इज फेड अप. ओके, नाउ दिस इज, नाउ वी विल रीड द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. ओके, नाउ स्टॉप इट सर्किंग एट वंस अमांडा. हेयर उसकी जो मदर है वो क्या कह रही है, सल्किंग मतलब होता है टू बी एंगर, गुस्सा होना. उसकी मॉम कह रही है कि यू शुड नॉट शो योर एंगर लाइक दिस, ठीक है, तुम अपना गुस्सा ऐसे नहीं दिखा सकती हो. क्या तुम गुस्सा नहीं हो सकती हो मुझसे, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा. एंड वो क्या कह रही है कि तुम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, तुम्हारा मूड क्या है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, बहुत ही अनस्टेबल. ठीक है, तो उसकी मदर, अगर वो गुस्सा कर रही है, सी द कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, अगर वो अपनी मम्मा पे, अपनी मम्मी पर वो जेस्चर्स भी नहीं दे सकती है अपने, है ना, वो गुस्सा भी नहीं शो कर सकती, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स पे गुस्सा शो करोगे तो डिस कम इन अ बैड मैनर. ठीक है, ये बैड मैनर्स हैं, ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स को जवाब दो, ठीक है, या आप अपने पेरेंट्स पे गुस्सा करो तो उसकी मम्मी क्या समझा रही कि यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस. ओके, दिस इज नॉट गुड फॉर अ गर्ल. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग एट यू अमांडा. क्यों क्यों गुस्सा नहीं करना उसे, क्यों अपना एंगर शो नहीं करना, क्योंकि वो क्या कह रही है कि अगर कोई देख लेता है, ठीक है, तो उसे क्या लगेगा, ही और शी विल थिंक दैट आई नेग एट यू अमांडा, कि मैं तुम्हें इंडिकेट करती हूँ, मैं तुम्हें हरास करती हूँ अमांडा, इसलिए तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए. सो लास्ट पैराग्राफ, लास्ट एग्जाम में क्या पॉइंट बताना चाह रहा है कि उसकी जो मदर है उसे पता है कि उसे गुस्सा आ रहा है, कि वो इरिटेट हो रही है, लेकिन सोसाइटी में, ठीक है, अमांडा को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उसके पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है, उसकी मम्मा उसको इनडायरेक्टली समझा रही है, क्या कहना चाह रही है कि तुम मेरे से इरिटेट नहीं हो सकती हो, ठीक है, ये अच्छे मैनर्स नहीं है. ठीक है, और लास्ट सेंजा में आप ये भी देख रहे हो कि अमांडा जो है किस तरीके से इरिटेट हुई अपनी मदर से. ओके, सो दिस वॉज अ पोएम अबाउट अमांडा. लास्ट सेंजा के हम पोएटिक डिवाइसेस देखें, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप सल्किंग ऐसे साउंड रिपीट हुई है, साउंड है ना, साउंड ऑफ कंसोनेंट है ना, ऐसे रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन है, ठीक है, एंड नेक्स्ट अमांडा अमांडा रिपीटेशन है. ओके, पोएम में जो मदर है क्या सिखाना चाहती है अमांडा को, डिसिप्लिन. ठीक है, वेरी क्लियर, डिसिप्लिन किसी भी बच्चे को सिखाना अच्छी बात होती है, दिस इज गुड, है ना, लेकिन हर चीज एक्सेसिव में हो, ठीक है, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, और बच्चे को, ठीक है, उसको भी अपना एक स्पेस चाहिए होता है. ठीक है, तो यही अमांडा के थ्रू रॉबिन गैलन आपको समझाना चाह रहा है. थैंक यू. Okay, students, so here we can see literary device of Amanda. Okay, anaphora, repeated use of the word at start of two or more lines. Okay, don't bind, don't hunch. Did you finish? Did you tidy? Okay, is that clear? Next is assonance. ठीक है, ये हम revision कर रहे हैं. Assonance, use of vowel sound O. Don't hunch your shoulder. Okay. Metaphor, mermaid, okay? Use of word amaranth sea for green color of sea, okay? Being similar to the color of amaranth, silence is gold. Silence is said to be glorious like gold, colorful. Freedom is sweet. Freedom is said to be sweet in taste, okay? Repetition word hai Amanda ke, Amanda ka, and alliteration hai. ठीक है, बहुत जगह एलिट्रेशन है, फोरम में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है,
और मर्मेड को हमने एलिजन में डाला है. एलिजन मतलब होता है जब हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है. तो आप वो भी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. आप मेटाफर भी डाल सकते हो, ठीक है. रैपंज़ल था वो भी, वो इमेजिन भी कर रही है, अपने आप को कंपेयर भी कर रही है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटरेरी डिवाइस. थैंक यू.